हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं, जो गाड़ी है टोयोटा की, करोला अल्टिस है ये। देख सकते हो टोयोटा की करोला अल्टिस। अभी मैं इसका इग्निशन जब ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, यहाँ पे वापस से ऑन करता हूँ, इंजन क्रैंकिंग नहीं कर रहा। मैंने ब्रेक दबाया हुआ है, ठीक है, बट इंजन क्रैंकिंग नहीं कर रहा है इसका। पावर ऑन, और ये जो लाइट है इसकी ब्लिंक कर रही है सिक्योरिटी की। इग्निशन ऑन होने के बाद ये लाइट बंद होना चाहिए, ठीक है। जैसा देख सकते हो, इग्निशन मैंने ऑन किया है तो ये लाइट बंद होनी चाहिए, बट ये बंद नहीं हो रही है। तो ये लाइट बंद नहीं हो रही है, और ये गाड़ी के अंदर थोड़ा ऐसा लग रहा है पानी भी नहीं, थोड़ा मॉइस्चर वगैरह पकड़ा हुआ है। इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, तो मैं देख लेता हूँ स्कैनिंग करके क्या एरर को दिखा रहा है इसके अंदर। इसके लिए हम लोग जाएंगे नीचे टोयोटा। ओके, सिस्टीन पिन, 2 मिनट। आगे स्विच बॉक्स में पानी तो नहीं है ना? नज़र मारो भी? नहीं यार, देखे, नज़र मार लो। मार लेते। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च IMC पाकिस्तान मोटर्स, क्या आ गया, बड़ी थाईलैंड, इंडिया किधर है इसमें? एक सेकेंड, मैं इसको करता हूँ यहाँ से बैक। ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो मैनुअल सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। अदर पे देखता हूँ, गाड़ी 2013 से 16 के आसपास रहेगी, तो इस पर क्लिक करता हूँ। गाड़ी विदाउट स्मार्ट की नहीं है, स्मार्ट की है, क्योंकि ये जो है, जैसा आपको पता है, स्मार्ट की है। ये जो बटन है इसको स्मार्ट की बोलते हैं, तो विद स्मार्ट की पे क्लिक। ओके, सही है बाड़ी उधर पे बराबर है। इधर नज़र मारो ना तुम, तक एक बार WD-40 मार के देखते रहो। इतना टाइम क्यों लेगा? यहाँ पे सिस्टम सिलेक्शन, उसके बाद पावर ट्रेन, इंजन, ओके, फोल्ड कोड, इंजन में नो ट्रबल कोड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से करते बैक। कल फोल्ड क्लियर किया था तुमने? हाँ किया था। ओके, फोल्ड कोड, तो देख सकते हैं इसके अंदर लिख के आ रहा है फॉल्ट, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेयरिंग लॉक, ख़राब बता रहा है इसका। ठीक है, करंट DTC भी और हिस्ट्री के अंदर भी, ये जो स्टेयरिंग लॉक है इसका फॉल्ट दिखा रहा है। डायरेक्ट लिख के आ रहा है, देख सकते हो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेयरिंग लॉक। इसको कर लेता हूँ मैं क्लियर। यस, ओके, लाइट बंदी हुई, नो ट्रबल कोड, बट एक बार स्विच ऑफ करके करेंगे तो वापस से आ जाएगा ये। या एक बार देखते हैं, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए अभी। नहीं, सेल्फ नहीं लग रहा है। एक सेकंड ना, इसको करता हूँ मैं बैक। रीड ट्रबल कोड, फॉल्ट कोड एक बार क्लियर कर देते तो जल्दी आता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। इसकी सॉकेट देखो, वापस से आ गया फॉल्ट कोड। ये स्टेयरिंग
स्टीयरिंग लॉक की जो सॉकेट है, लॉ डब्ल्यू डी लो, थोड़ा मैंने इसको स्प्रे कर दिया, ठीक है, डब्ल्यू डी 40 से। उपकरण में लाइट बंद हुई? बंद हुई ना। तो ये जो है इसका स्टीयरिंग लॉक जैसा कि देख सकते ख़राब हो गया, देखो पानी चला, मतलब मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो चुका है ये, इसकी सॉकेट वगैरह पूरा वो हो गया है। अभी मैंने थोड़ा इसको स्प्रे कर दिया, फिर ट्राई करता हूँ। तो अभी मैंने इसको स्प्रे मार दिया वापस से, एक बार फॉल्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर, यस, कंप्लीट, नो फॉल्ट को दिखा रहा है। इग्निशन बंद करके ऑन करता हूँ, देख सकते हो स्टीयरिंग की जो लाइट है यहाँ पे, सिक्योरिटी लाइट अभी फ्लैश नहीं कर रही इग्निशन ऑन करने के बाद। ये स्टीयरिंग लॉक लाइट आ रही है, स्टीयरिंग की लाइट आ रही बट यहाँ पे लाइट फ्लैश नहीं कर रही, वो फॉल्ट क्लियर करने के बाद चले जाएगा। गाड़ी अभी देखते शायद स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अभी स्टार्टर लग गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, देख सकते हो। बट इसका स्टीयरिंग लॉक जो है ये ख़राब है, ये जो फॉल्ट कोड आ रहा था ये स्टीयरिंग लॉक का आ रहा था। अगर ये स्टीयरिंग लॉक वापस से प्रॉब्लम करता है तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको स्प्रे मार दिया डब्ल्यू डी 40 करके, थोड़ा काम कर रहा है ये, देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है अभी और लाइट जो है बंद हो गई है। वापस से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है, एक बार बैक करके वापस से करता हूँ। फॉल्ट कोड, ठीक है, देख सकते हो कीलेस के अंदर जो है ये एंट्री एंड स्टार्ट के अंदर नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है यहाँ पे। चलो, लॉक फॉल्ट लेके जा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।